तो दोस्तों, आज आपको पता चल गया होगा टाइटल से ही कि आज हम बनाने जा रहे हैं चर्सी चिकन कढ़ाई। ये निसार चर्सी के नाम से एक रेस्टोरेंट है पाकिस्तान में, वो कढ़ाई के लिए बहुत ही फेमस है। तो वो जो बनाते हैं वो इसी तरीके से दुम्बे की जो चर्बी होती है उसके ऑयल्स में उसको बनाया जाता है। तो दुम्बे की चर्बी तो नहीं, हमने गोट की चर्बी लेके आई है दुकान से, और उसी को हम पहले मेल्ट करेंगे, उसका ऑयल निकालेंगे, देन उसी ऑयल में हम जो है चिकन बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है तकरीबन 800 ग्राम के करीब साफ़ की हुई चर्बी थी, और उसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में डालने के बाद उसको ढक के रखे, और ढक के रखने के बाद कुछ देर के बाद उसको खोले और चेक करते जाए, वो कुछ देर के बाद इस तरीके से वो पानी छोड़ने लगेगा। ठीक है, तो उसको उस पानी को अंदर ही रखना है हमको, उस पानी को निकालना नहीं है। देन स्लोली उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, देन उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर से उसको खोल के देखना है हमको, तो ये ऑयल फॉर्म में आ जाएगा। तकरीबन इसको पकने के लिए बहुत टाइम जाता है, मुझे लगा था अराउंड 1.25 घंटे के करीब मुझे लगा था इसको पकाने के लिए, और पूरा टाइम हमको लीड कवर करके ही उसको पकाना है अच्छे से। ठीक है, एकदम स्लो गैस ना रखें, मीडियम फ्लेम पे रखें। ये देखिए दोस्तों, ये एकदम से पूरा गोल्डन ब्राउनिश जैसा हो जाती है अंदर की चर्बी जो लेफ्ट ओवर होती है, और फिर समझ जाओ कि आपका जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है पूरा। देन हमको गैस बंद करना है, और फिर इसको ये देखिए दोस्तों, हमारा ऑयल देखिए कितना बढ़िया तरीके से निकल गया है, और ये बहुत ही हेल्दी ऑयल होता है, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो ये हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, ऐसा नहीं कि ये अनहेल्दी है। ठीक है, इसको अब हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे। तकरीबन हमको यहाँ पे 650 ml के करीब हमको ऑयल मिला था, इसमें से 800 ग्राम चर्बी में से, तो इसको हम इस तरीके से फिल्टर कर लेंगे एक छन्नी की मदद से। और अब हम इसी ऑयल में जो है हमारी चिकन फ्राई करेंगे, तो वो बन जाएगी निसार चर्सी चिकन कढ़ाई। ठीक है, ये जो है हमारा कचरा है बचा हुआ, यहाँ पे हमने लिया है चिकन 650 ग्राम के करीब साफ़ की हुई चिकन है, और ये टमाटर हमने लिया है 350 ग्राम, और ये है जो बकरे की चर्बी का हमने जो ऑयल बनाया था वो, उसको जब रखते हैं तो वो घी फॉर्म में आता है, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, अभी हमको जितना लगेगा उतने हिसाब से हम ले लेंगे इसमें, और इतना हमको ऑयल लेना है कढ़ाई में, या घी या जो भी आप लोगे, बटर जिसमें भी आपको बनाना है। ठीक है, तो वो इतना ले के जो चिकन है वो अपनी डीप फ्राई हो जाए उसमें। ठीक है, बाद में उसमें से जो एक्सेस ऑयल रहेगा या बटर रहेगा जिसमें भी आप बनाओगे वो हम निकाल लेंगे। अब अच्छे से ऑयल गर्म हो गए, हम इसमें चिकन छोड़ रहे हैं और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमको क्या करना है कि इस चिकन को अच्छे से फ्राई करना है, अच्छे से पकाना है। इस तरीके से इसको हिलाते हुए अच्छे से पकाइए, और कुछ देर के बाद उसको लिड कवर कर दें, कोई भी एक ढक्कन रख दें उसके ऊपर, और उसको बंद करके अच्छे से पकाए। थोड़ी देर के बाद हमको उसको खोल के देखना है, लिड ओपन करके देख ले एक बार उसको कि किस तरीके से हमारी चिकन फ्राई हो गई है।
अब अगर चिकन फ्राई होगी ये आपके हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री, तो उसमें टमाटर छोड़ दे, और टमाटर हमको अक्खी डालने, जो एक्चुअल चिकन कढ़ाई है वो इसी तरीके से बनती है, तो मैं पूरा प्रोसेस आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ। टमाटर छोड़ देने के बाद उसको लिड डाल के रखिए, और कुछ देर के बाद फिर लिड ओपन करिए, तो टमाटर अच्छे से, मतलब की स्किन जो है वो सॉफ्ट हो चुकी होगी। तो आपको अगर स्किन निकालनी है तो आप स्किन निकाल ले, काफ़ी सारे लोग ये स्किन निकाल लेते हैं। ओके, तो मैंने भी थोड़ी सी स्किन निकाल ली थी, बाकी की मैंने छोड़ दी थी अंदर इसी तरीके से। ठीक है, देन इस तरीके से देखिए इसकी स्किन जो है वो इजीली पील ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो अच्छे से कुक हो चुका है। तो ये देखिए इस तरीके से स्किन इसकी इजीली निकल जाएगी। अगर आपको निकालनी है तो निकालिए, मैंने थोड़ी सी स्किन निकाल ली थी, बस इतनी ही मैंने स्किन निकाल ली थी उसकी, और बाकी की मैंने छोड़ दी थी उसी में। ठीक है, और फिर उसके बाद हमको जो एक्सेस ऑयल है उसमें का, जो भी घी है एक्सेस, ठीक है, उसको हमको निकालना है इस टाइम पे। तो हमने भी उसका जो एक्सेस घी है वो निकाल लिया था। ठीक है, और एक बार एक्सेस घी हमने निकाल लिया, उसके बाद हमको जो टमाटर है उसको अच्छे से क्रश कर लेना है अंदर। ऑलरेडी वो सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे से, ठीक है, तो उसको इस तरीके से अच्छे से क्रश कर ले, क्रश करके उसको अच्छे से मिक्स कर ले एक बार। ठीक है, अब इस वक्त जो है हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, आप भी टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें उसमें। ठीक है, सो अच्छे से मिक्स कर ले एक ही बार। और अब हम इसमें अदरक डालेंगे जो हमने कट करके रखा था, और उसके बाद उसको अच्छे से पका ले थोड़ी देर, और इसके बाद हमको लिड बंद नहीं करना है, ढक्कन लगा के नहीं रखना है इसका। ठीक है, क्योंकि हमको ग्रेवी थिक करनी है। और अब हम इसमें लहसुन डालेंगे, मैंने यहाँ पे लहसुन लिया था चॉप करके, मैंने तकरीबन लहसुन के 8 से 10 बीज लिए थे लहसुन के। ठीक है, सो अच्छे से क्लीन कर ले, इसको चॉप करके रख दे और डाल दे इसी में। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर ले, और ये तकरीबन हमारी जो कढ़ाई है ये रेडी होते आई है। जैसे इसका ग्रेवी थिक हो जाएगी, इट मीन्स वो रेडी हो गई है। ठीक है, ये देखिए हमारी कढ़ाई कितनी बेहतरीन दिख रही है। अब ये हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, तो इस दौरान हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची की पाउडर। काली मिर्ची की पाउडर हमने तकरीबन यहाँ पे ली थी 2 टेबलस्पून टोटल मैंने इसमें डाली थी। ठीक है, तो आप भी 2 टेबलस्पून इसमें काली मिर्ची की पाउडर डाल दें, और ये आपकी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। ठीक है, और अब हम इसमें मिर्चियाँ डालेंगे जो हमने कट करके रखा था, और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें पहले ही मिर्चियाँ डाल सकते हैं, और जितने डालने हैं आपके हिसाब से डालें, टेस्ट के हिसाब से। और ऊपर गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पे अदरक और थोड़ा कट किया हुआ डाल देंगे। ठीक है, आपको अगर हमारा काम पसंद आता है, हमारे रेसिपीज पसंद आते हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में। थैंक यू।